बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। टुडे वी आर गोइंग टू मेक मटन कढ़ाई। आज हम मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट कर लें। 1 kg मैंने मटन बोन इन लिया है और 3 से 4 चम्मच दही ली है। 2 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम लेंगे। 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। 1 टीस्पून हल्दी। 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 पिंच मेथी। 1 पिंच कलवंजी। 3 से 4 हमने ग्रीन चिल्ली ली है और ग्रीन धनिया सब्ज़ धनिया लिया है और इस तरह अदरक काटी है जो एंड पे हम इसको यूज करेंगे। और ऑयल जिस टाइम हम डालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितना डालना है और नमक आपने हसबे जायका जो है वो यूज करना है। तो चले आए हम मटन कढ़ाई जो है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मटन बोन इन लिया था उसको ऐड करके 3 to 4 जो है वो पीसेस हमने लहसुन के ऐड करके उसमें टीस्पून हल्दी की ऐड की है और इसको हमने 1 गिलास पानी डाला है और इसको हम बॉईल करेंगे। तो हम इसको कुकर में बॉईल करने लगे तो आप जो है वो इसको कढ़ाई या देगचे में भी बॉईल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है। जी वीवर्स, और गोश्त को जो है वो फुल बॉईल नहीं करना है। जी वीवर्स, ये देखें गोश्त जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है और ये फुल बॉईल नहीं किया है। अ लिटल बिट हार्ड टिल नाउ। नाउ वी आर मेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। प्लीज फॉलो ऑल द स्टेप्स। 1/2 कप जो है वो मैंने ऑयल का इसमें ऐड किया है और सबसे पहले ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने डाला है और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब जो है वो इसमें गोश्त ऐड करेंगे। इसको जो है वो थोड़ा सा फ्राई करके तो उसके बाद जो है वो हम बाकी के स्पाइसेस जो है वो हम ऐड करेंगे। अब इसमें ये बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं सारे ऐड करने लगा हूँ। अब जो है वो इसकी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। इसकी देखें वो भुनाई हो रही है तो थोड़ी सी भुनाई करके इसमें टमाटरों का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया था, उनको ग्राइंड किया था, वो इसमें ऐड कर दूंगा। 5 मिनट जो है वो मैंने गोश्त की सही अच्छे तरीके से भुनाई की है तो अब जो है वो इसमें टमाटो जो पेस्ट टमाटरों का निकाला था वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ और फिर इसको जो है वो अच्छे तरीके से भूनना है और थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। तो दही को और क्रीम को जो है वो आपस में मिक्स कर लेंगे हम। जी व्यूअर्स, ये देखें उसका काफ़ी सारा जो है वो पानी ड्राई हो चुका है। अब जो क्रीम और दही मैंने मिक्स किया था वो इसमें ऐड करके तो उसको भी थोड़ा सा पकाएंगे, उसको भूनेंगे और फिर जितना मतलूबा आपको ग्रेवी चाहिए उस पोजीशन तक जो है वो करके तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये दही और क्रीम जो है दोनों मैंने मिक्स कर दी थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। ये देखें दही और क्रीम डालने के बाद जो है वो कितना इसका ज़बरदस्त जो है वो कलर हो गया है और इसको अब थोड़ी देर पका के तो ग्रेवी को थोड़ा सा जो है वो थिक हो जाएगा तो फिर हमारी मटन कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी। ये देखें हमारी मुतलका जो है वो इतनी ग्रेवी हम पसंद करते हैं। अगर आप लोग जो है वो इससे कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो इसको मज़ीद थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी मैंने चेक किया है बहुत मज़े का है। आप लोग जो है वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो देखें इसका कलर भी जो है वो कितना जबरदस्त है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।